सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करते हैं आप सभी का पोगो कैट गेमिंग के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले जो हमारा न्यू फेड आ चुका है हमारे गेम के अंदर उसके बारे में। तो उसमें आपको दो बंडल देखने को मिलने वाला है जो कि वैलेंटाइन इवेंट के थीम के ऊपर है, और वो दोनों ही बंडल काफ़ी ओपी है गाइस। तो उसको हम निकालेंगे इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। तो पर उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से, भाई लोग जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना मत भूलना, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले फ्री फायर रिलेटेड ए टू जेड। तो चलिए देख लेते हैं ये फेड व्हील के अंदर हम कैसे खेलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी दो चीज़ हम माइनस कर देंगे इस व्हील में से। तो जैसे कि मैंने दो मेन चीज़ें, जो दो बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती है, उसको मैंने माइनस किया और पहला स्पिन मैंने कर दिया। तो पहला स्पिन करते ही मेरे को देखते हैं क्या निकलता है मेरा। तो पहला स्पिन में मेरे को निकला ये वाला अवतार, तो काफ़ी ठीक ठाक क्या अवतार, नौ डायमंड में ठीक ठाक अवतार मिला है हमारे को। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, अगला स्पिन हमारा 19 डायमंड का था जिसमें हमारे को कुछ ज़्यादा खास ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। उसके बाद हमारा 39 डायमंड गाइस हम लोगों को मिल चुका है हमारा फीमेल बंडल, तो काफ़ी कम डायमंड मिला मेरे को। फीमेल बंडल काफ़ी ओपी है गाइस, तो आप भी अगर कुछ दो बढ़िया चीज़ें हटाएंगे इसमें से तो आपका भी चांस बढ़ जाता है कि आपको भी को दोनों बंडल में से कोई एक फेमस बंडल आपको देखने को मिल जाए फ्री में, बहुत ही कम डायमंड के अंदर। तो गाइस चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे अगले जो स्पिन है वो भी कर लेते हैं, और देख लेते हैं हमारे को कितने डायमंड पड़ता है हमारा ये मेल वाला बंडल। तो जैसे कि मुझे पता ही है गाइस, पूरा स्कैम है ये, गई ना फ्री फायर बहुत आसानी से नहीं दे गई है। बहुत कम बंदों का होता है जिनका एक ही स्पिन में निकल जाता है, पर हम उसमें से नहीं है। तो हमारे को देखना पड़ेगा कितना टाइम हमारा लगता है इसको पूरा निकालने में। तो जैसे आप देख रहे हैं मेरे 5000 डायमंड थे, उसमें से कम होते होते अभी 4500 डायमंड बचे हुए हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि और कितना डायमंड हमारा लगने वाला है। जैसे 199 का स्पिन है, तो 199 स्पिन अगर निकल जाता तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं निकलता तो भाई बैड लगेगा, क्योंकि 199 में हमारे को ये सामान्य एयरड्रॉप का ये मिलेगा 3 दिन के लिए, तो काफ़ी महंगा पड़ेगा ये। तो गाइस देख लेते हैं 199 में गाइस सीरियसली हमारे को सामान्य एयरड्रॉप का वो मिला, तो ये बहुत महंगा पड़ा मेरे को, और 599 में मेरे को ये मिल गया। तो टोटल मेरा यहाँ पे मेरे को खर्च हुआ है कम से कम 800 से 900 डायमंड। तो गाइस अगर आप भी चाहते हो ये दोनों ही बंडल को क्लेम करना, और आपका लक अगर अच्छा नहीं है तो आपका भी चले जाएगा 900 से 1000 डायमंड तक। तो गाइस अगर मेरा लक तो थोड़ा सा अच्छा था, इसलिए मेरे को कम डायमंड देखने को मिला हमारे को दोनों ही बंडल। तो आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी मिल जाएगा। तो गाइस चलिए ये दोनों बंडल हम पहन के देख लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगता है ये गेम के अंदर। तो गाइस सबसे पहला बंडल हम देख लेते हैं जो आपका मेल का है, वो काफ़ी ओपी लगेगा जब पहनोगे, काफ़ी बढ़िया है गाइस। पर इसका मास्क मुझे बहुत ही गंदा लगा कि मेरे को पसंद नहीं आया, पर्सनली मैं बताऊंगा आपको। तो इसके अलावा बाकी पूरा का पूरा बंडल काफ़ी ओपी है गाइस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसे कैसे खेलना और कितना डायमंड आपका खर्च होने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया अभी तक, तो फटाफट से लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। गेमिंग करते रहो, मजे करते रहो, देखते रहो पोकेट गेमिंग। जय हिंद, जय भारत गाइस।